भाइयों, जेएनयू का तो नहीं पता, लेकिन विकास पर लाठी चार्ज जारी है। एनएसओ के एडवांस एस्टीमेट आ गए हैं, 2019-20 में 5% का ग्रोथ रहने वाला है, यानी 11 साल का ये लोएस्ट होने जा रहा है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2009 में ग्रोथ रेट गिर करके इतना, इससे भी कम, 3.1% हो गया था, लेकिन पिछले दो साल में 8.7% से गिरकर पहले 6.9% था, और जो अब 5% रहेगा, ये शार्प गिरावट है, यानी सरकार के 7% के प्रोजेक्शन से काफ़ी कम। आप कहेंगे इसमें नया क्या है, ये तो आरबीआई ने पहले ही बता दिया था। नया ये है कि इकोनॉमी के रफ्तार पकड़ने में अब और काफ़ी समय लगेगा, ये समझने की ज़रूरत है। ये डोमिनोज इफेक्ट है, उसकी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। नए निवेश यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का आंकड़ा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, यानी सिर्फ 1% का नया निवेश प्राइवेट सेक्टर ने किया है। अब जो ग्रोथ आ रही है इस वक्त, वो सरकारी खर्चे के बूते आ रही है, लेकिन अब खजाने पर भी दबाव है, क्योंकि टैक्स वसूली कम है, और उधर डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा उठाना चाह रही थी सरकार, वो नहीं उठा पाई, और वो टाइम टेबल और लेट हो गया है। अब सरकार फिस्कल डेफिसिट को काबू करने की कोशिश करेगी, तो वो खर्चे काटेगी, और उस कटौती में कम से कम उसको 2,00,000 करोड़ रुपए बचाने होंगे, तब फिस्कल डेफिसिट का कमिटेड आंकड़ा मेंटेन हो पाएगा, जो 3.5% के आसपास का है। खर्चे काटेगी तो विकास बाबू और दुबले हो जाएंगे। हमारी कंट्रोल्ड इकोनॉमी के दिनों में 2-3% के ग्रोथ को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था। आर्थिक ग्रोथ रेट के मामले में अब हम पक्का हिंदू रेट वाले राष्ट्र तो हो ही गए हैं। अब बजट आने वाला है 1 फरवरी को, और जैसा कि दस्तूर है, अब विकास के लिए लोग आशा और विश्वास का सहारा लेने लगते हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि बजट के जरिए मंदी की इस गिरफ्त को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, यानी निवेश बढ़ने के पक्के उपाय और बेहतर टैक्स रेट लाए जाएंगे, और कई बड़े आर्थिक सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि खेती और लेबर सबसे बड़ा आइटम है। ये सब करने के पहले सबसे पहली और ज़रूरी शर्त यह है कि सरकार आंकड़ों के मामले में, डेटा के मामले में सच का सामना करे, यानी जो बजट के बाहर फिस्कल डेफिसिट है उसको जोड़ करके पूरा फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा बताए। अगर डेटा सही होंगे तभी सही प्लानिंग हो पाएगी, और उसके बगैर इस गिरती हुई इकोनॉमी का रिवाइवल बहुत मुश्किल है। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि अगर ये सब हम कर भी लें, तो भी आरबीआई ने अभी अभी ये फिर से चेताया है कि इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है, यानी रेट कट नहीं हो पाएगा, और अगले साल एनपीए और बढ़ने जा रहा है। ऐसे में निवेश के लिए पूंजी और कर्ज बड़ी समस्या बने रहने वाले हैं। ग्लोबल हालात खराब हैं। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि नया चैलेंज ईरान और अमेरिका का टकराव हो सकता है, यानी अगर तेल महंगा हो गया तो भारत के लिए नया सिरदर्द होने जा रहा है। रुपया कमज़ोर होगा तो ये इन्फ्लेशन को और बढ़ाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ने के आसार अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। ऐसे में जो लोग ग्लोबल कारणों को हाईलाइट करके कहते हैं कि भारत की समस्या ग्लोबल मंदी के कारण है, उनको ये समझना ज़रूरी है कि हमारी बीमारी का बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक है, जो अभी हमने आपको बताने की कोशिश की है डिटेल में। ग्लोबल बहाने को ढूंढने का मतलब ये होगा कि हम गलत इलाज को ढूंढ रहे होंगे। नेट बात यह है कि इंडियन इकोनॉमी पर लाठी चार्ज जारी है। ये सारे फैक्टर नकाब पहनकर आए भी नहीं थे, वो बेनकाब आए थे और ऐलानिया आए थे। ऐसे में जैसा कि होता है पुलिस की तरह, बजट जब तक आएगा और पूरा इलाज करने की कोशिश करेगा, तब तक और लेट होने का पूरा खतरा है। और साथ में कैसा इलाज करेगा, बजट ने अगर बैंडेड वाला इलाज करने की कोशिश की, तो समझिए कि विकास बाबू का हाल और बुरा होने वाला है।